रीवा में जव्वा तहसील के कई गांव बारिश के महीनों में तथा कथित तीसरी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। वजह है सड़क का न होना, जहां लोगों के सामने आने जाने की समस्या खड़ी हो जाती है। स्कूली बच्चों, वृद्ध गर्भवती महिलाओं एवं बीमार हुए लोगों के लिए भगवान का ही सहारा बचता है। कई गांव के लिए टोलों तक पहुंचने के लिए केवल खेतों के मेड़ ही माध्यम है। उस पर आवारा पशुओं से फसल बचाने किसानों द्वारा लगाई गई कटीले तारों के कारण अतिशय कठिनाई आने जाने में होती है। ऐसा नहीं है कि वो मतदाता नहीं है, ऐसा भी नहीं कि वो गूंगे हैं, रोड की मांग की गुहार नहीं लगाए, लेकिन आज तक रास्ता नसीब नहीं हो सका। स्थानीय निवासी ने बताया कि गांव की कुल आबादी 10,000 के आसपास है और आज तक उन्हें सड़क नसीब नहीं हुई। वो शासन प्रशासन से लेकर नेताओं तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। चुनाव आते ही नेताओं का जमावड़ा लग जाता है, जीतने के बाद कोई प्रतिनिधि नेता पलट कर नहीं आता है। सबसे बड़ी समस्या बरसात में बच्चों को स्कूल एवं बीमारों को अस्पताल में इलाज कराने के लिए आती है। खाट में चार आदमी के सहारे गांव से मुख्य रोड तक बीमारों को लाया जाता है, फिर भी शासन प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा रोड की सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए या उसे कुछ भी हो जाए तो वो पैदल नहीं निकल सकता है, और बाइक या फोर व्हीलर से जाने की तो बात ही मत करिए। बहुत ही बड़ी समस्या, और ना ही कोई देखने आता, कोई सुनने भी नहीं आता। हम लोग काफी मतलब कलेक्टर साहब के पास भी गए और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जवाब भी गए हम लोग, लेकिन कोई सुनने आने की तैयार ही नहीं है। शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग मतलब वीडियो और मतलब पेपर के जरिए और रिपोर्टर सब के जरिए भेज दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस गांव के रहवासी पहुंच मार्ग के लिए आज भी छटपटा रहे हैं। मौलिक सुविधाओं की राह देखते देखते ग्रामीणों की आंखें पथरा गई हैं। एक ओर जहां सरकार गांव को आसपास में जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत PCC व कालीकरण सड़क का निर्माण कर रही है, वहीं उक्त गांव के लोग आजादी के इतने वर्षों बाद भी पहुंच मार्ग से विहीन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।